इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है, भारत रत्न सम्मान के बांटे जाने के सारे रिकॉर्ड तोड़ रही मोदी सरकार। 15 दिन में 5 बड़ी हस्तियों को मिलेगा भारत रत्न। केंद्र सरकार ने की बड़ी घोषणा, पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एमएस स्वामीनाथन को मिलेगा भारत रत्न। सबसे ज्यादा भारत रत्न सम्मान साल 1999 में दिए गए थे, तो चुनावी साल में भारत रत्न सम्मान के बांटे जाने के सारे रिकॉर्ड मोदी सरकार तोड़ रही है। बीते 15 दिन में 5 बड़ी हस्तियों को देश के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सम्मान पाने वालों में 2 पूर्व प्रधानमंत्री, 1 पूर्व उप प्रधानमंत्री और 1 पूर्व मुख्यमंत्री के साथ ही एक नए जाने माने कृषि विशेषज्ञ शामिल है। 4 को मरणोपरांत यह सम्मान दिया जा रहा है। इन 5 नामों की घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद की है। केंद्र सरकार ने पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह, एमएस स्वामीनाथन को भारत रत्न देने की घोषणा आज की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोशल मीडिया पर इसकी जानकारी दी। इसके पहले लाल कृष्ण आडवाणी और कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न देने की घोषणा केंद्र सरकार ने की थी। बता दें कि एक साल में सबसे ज्यादा भारत रत्न सम्मान साल 1999 में दिए गए थे, जब 4 बड़ी हस्तियों को अटल बिहारी वाजपेयी सरकार ने सम्मान बांटे थे। खास बात यह कि जिन लोगों को भारत रत्न देने की घोषणा की गई उनमें से 2 नेताओं का संबंध बाबरी मस्जिद राम मंदिर विवाद से है, तो वहीं 2 नेताओं का संबंध किसान और ओबीसी समाज से है, जबकि एमएस स्वामीनाथन बड़े कृषि वैज्ञानिक हैं। ये बड़ी खबर इस वक्त की और ये बड़ा फैसला केंद्र सरकार का। इस पर जयंत चौधरी ने ट्वीट करके खुशी भी जाहिर की है।